रैलियों की ललकार। जी हां, और इसी के तहत कानपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां आज कानपुर में रैली के जरिए सीएए को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने माहौल बनाया है, प्रदर्शन चल रहे हैं, विरोध चल रहे हैं, उसी के तहत अब लोगों के बीच जो भ्रम फैला है सीएए को लेकर कि आखिरकार सीए है क्या, तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए जन जागरण अभियान बीजेपी का चल रहा है। और इसी के तहत आज कानपुर में पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर में यहां पर रैली की जाएगी और इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो सीए के समर्थन में रैली करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माला अर्पण किया है चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर। जब वो पहुंचे तो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए, जिसको लेकर कई तरह के भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कई तरह के बातें की जा रही है कि दरअसल ये जो कानून है वो नागरिकता छीनने का है, और ऐसे में लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि आखिरकार सीएए का वास्तविक में मतलब क्या है, इसको बतलाने की कोशिश की जाए। और नीरज अवस्थी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ चुके हैं। नीरज, लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां पर कुछ देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, लेकिन अब वो एक बार फिर से ललकार यहां पर सुनने को मिलेगी जो कल लखनऊ में मिली थी और तमाम जिस तरह से राज्यों में भी यहां पर देख रहे हैं रुख, लेकिन कानपुर पहुंच चुके हैं, किस तरह की व्यवस्था और कितनी देर में जो रैली है उसका आगाज होने वाला है? पहले आपको जो नियत समय था उससे एक घंटे तकरीबन लेट पहुंचे हैं सीएम कानपुर, सीएसए स्थित हेलीपैड में उतरे हैं, उसके बाद चंद्रशेखर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया है, साथ ही सीएसए में आयोजित जैविक खेती और उस जहां किसान है उनसे के साथ गोष्ठी है उसमें वो सम्मिलित हुए, अभी उनका वही कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद वो तकरीबन आधे से एक घंटे बाद पहुंचेंगे साकेत नगर कॉमर्शियल ग्राउंड, जहां पर रैली होनी है, वहां तमाम जो भाजपाई है वो भीड़ जुटाने की कवायद में लगे हुए हैं, और चूंकि सुबह मौसम में पहले ठीक था उसके बाद थोड़ा कोहरा दिखाई दिया जिसके चलते ये कार्यक्रम लेट हुआ है, और अब ऐसा माना जा रहा है क्योंकि कानपुर में सीएए को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, हिंसा भी हुई, 3 लोगों की मौत भी हुई, तो काफी अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही वो क्या संबोधन करते हैं यहाँ के लोगों को, किस तरीके से सीएए के बारे में समझाते हैं, ये देखने की बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन नीरज कानपुर पहुंच चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम, और कल जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे हैं कल भी हमने देखा था कि लखनऊ में किस तरह से सीए को लेकर ये जन जागरूकता अभियान हुआ था, और उस दौरान न सिर्फ सीए को लेकर जिस तरह से विपक्ष हल्ला बोल रहा है, तमाम उन मसलों का जिक्र वहां पर किया गया जिनको लेकर हमेशा से ही विपक्ष हल्ला बोल करता हुआ आया है, यानी कि जनता को यहाँ पर सीधे बतलाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हर एक मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बोला, जाहिर है इस मुद्दे को लेकर भी बोलेगी, लेकिन आप जागरूक होइए। जी बिल्कुल, यही माना जा रहा है, अभी जब संबोधन शुरू होगा तो साफ तौर पे उनके निशाने पे, सीएम के निशाने पे विरोधी जो दल है उनके नेता है वो रहेंगे, क्योंकि सीए को कानून आने के बाद से लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश भर में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, काफी स्थानों पर हिंसा भी देखने को मिली, तो इसके बाद ही पार्टी ने निर्णय किया आलाकमान ने, जिसके बाद ये इस तरीके की रैलियां आयोजित की आई जनसभा, जिसमें कि लोगों को सीए और एनआरसी के बारे में बताया गया, साफ तौर पर माना जाएगा कि सीएम बिल्कुल जो है इन विरोधियों को निशाना यहाँ कानपुर में बनाते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी अब से अपडेट लेते रहेंगे।